ओके, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड, नॉट सप्लीमेंट टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन। डॉक्टर लिम का अगर आपने एक वीडियो देखा होगा तो डॉक्टर लिम को सवाल पूछा था, डॉक्टर लिम ग्यानोडर्मा का क्या डोज लेना चाहिए, स्पिरुला का कितना डोज लेना चाहिए। डॉक्टर लिम ने एक लाइन बोला था, ग्यानोडर्मा और स्पिरुला इट्स नॉट माई फूड सप्लीमेंट, इट्स माई प्रॉपर फूड, ये मेरा खाना है। और यही मैसेज उन्होंने भी दिया था, अगर आप 15 स्पिरुलिना खाना चाहते हो एक साथ तो खा सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फूड। कितना खा रहे हो? 15 स्पिरुलिना, मतलब 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम खा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एक लाइन है, न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड। कभी भी किसी से भी बात करते हुए स्पिरुलिना के बारे में बात करो, सप्लीमेंट वर्ड मस्त इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे लिए खाना ही है। आपको दिख रहा है मेरे पीछे पूरा प्लांट दिख रहा है, यह पानी के अंदर पूरी तरीके से तैयार होता है तहत पे, फिर उसको अच्छी तरह से छाना जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है और इसको पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ इसको कैप्सुलेशन मशीन में लाकर पूरा कैप्सूल किया जाता है। तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखकर ही कंपनी हमारा इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आता है, और इसकी वजह से ही ये यूनाइटेड नेशन ने भी हमारे लिए कोलैबोरेशन का यह कदम उठाया है और हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूज लाया है। ये क्यों जरूरी? अभी देखिए, जैसे ही कोविड का खत्म हो जाएगा, डॉक्टर लिम ने खुद हमें बताया है, आफ्टर कोविड 19 हमें तुरंत इसके ऊपर काम शुरू करना है। और ये सोच लीजिए कि अभी आपको अभी से काम करना है, क्योंकि आपको स्पिरुला मिलने के लिए कोई इंतजार नहीं करना है। आपके हाथ में स्पिरुला है, आपके घर में 5-10 डब्बियां होगी, आपके स्टॉक पॉइंट में बहुत सारा स्टॉक चाहिए, उतना मिलेगा, जितना चाहिए उतना स्पिरुला देने की ताकत डीएक्स इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर है। बट इस चीज को समझ लीजिए, बहुत अच्छा लाइन सामने आ चुका है, ईच डे 40,000 चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ द सीवियर माल न्यूट्रिशन। गंभीर कुपोषण के कारण प्रतिदिन 40,000 बच्चों की मौत हो रही है सर। गंभीर कुपोषण के कारण प्रतिदिन 40,000 बच्चों की मौत हो रही है। और ये जो हम कुपोषित बच्चे देख रहे हैं ना, इसको भी बताया जा रहा है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो 1,000 दिन तक उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना ही चाहिए। और अगर 1,000 दिन यानी कम से कम 3 साल उस बच्चे का अगर कुपोषित रहता है तो उसका सारा का सारा असर उसके पूरे लाइफ हो लाइफ पर आ जाता है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर आ जाता है। और इसकी वजह से ये बताया जा चुका है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी मौत का रेट बहुत ज्यादा है। हर 6 सेकंड के अंदर, लाइन को समझ लीजिए, हर 6 सेकंड के अंदर एक बच्चा का मौत हो रहा है बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो क्या रास्ता इसके लिए? स्कूलों में क्या क्या खिचड़ी देते हैं, राइस खिला के देते हैं। आपको बता दो, राइस में सिर्फ स्टार्च मिलेगा उनको, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कुपोषण कैसे भगा पाएंगे? पर सरकार है, सरकार जो चाहती वो कर रही है। आपको एक कदम अभी उठाना है अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अपने मोहल्ले के लिए और अपने आजू बाजू के सभी गांव लोगों के लिए मदद करनी है। क्या करना है आपको? एक ही है, इस कुपोषण के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए, प्रेजेंटेशन से लीजिए, अपने आप गूगल से लीजिए और कई सारी वीडियो देखकर लीजिए, और अपने पास सॉल्यूशन है। आपको जानकारी लेना है तो एक ही होता है, थोड़ा जानकारी होगा और प्रॉपर सॉल्यूशन होगा तो मार्केट क्रिएट करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम पहला बच्चा देख रहे हैं, कुपोषण से पीड़ित बच्चा है, ये देख रहे हैं, द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये बच्चा सिर्फ ये देख रहे, एक्चुअली इसका उम्र ज्यादा है, बट जैसे ही 90 डेज उसको स्पिरुला दिया गया, सिर्फ 90 डेज स्पिरुला दिया गया, तो द सेम चाइल्ड आफ्टर 90 डेज टू टेकिंग स्पिरुलिना। ये इम्साम का फोटोग्राफ है, ये अफ्रीका का फोटोग्राफ है और अफ्रीकन चाइल्ड्स में ये कुपोषित बच्चे का फोटोग्राफ है। तो इंटरनेशनल बात आपको शेयर कर रहा हूं, तो इतना खराब कुपोषण बच्चे को भी इतना पावर देने की ताकत स्पिरुला के अंदर है, कितने दिनों में? 90 डेज। तो डॉक्टर लिम ने प्रोजेक्ट का नाम बताया ना, $1 for one child। आप सिर्फ उतना ही करना बताएं, बट डॉक्टर लिम का सपना क्या है? 3 ग्राम स्पिरुला पर डे फॉर 90 डेज, 90 दिन तक मैं एक बच्चे को 3 ग्राम स्पिरुला पर डे देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस मिशन में रहना सर, अभी आपको लोगों को भी बताना है। तो इतना बदलाव अगर आ सकता है तो बहुत बड़ा चीज हमारे लिए, बिकॉज द स्पिरुलिना इज एक्सलेंट अल्कलाइन फूड, होल फूड अप्रूव्ड बाय USFDA, अमेरिका स्टैंडर्ड फूड एंड ड्रग अप्रूवल है। यूनाइटेड नेशन से हम कनेक्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ WHO has held spirulina as the greatest food on earth। अगर आप जागतिक आरोग्य संगठन को मानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कौन जाएगा ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो दुनिया का विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो स्पिरुलिना को पूरा रिसर्च के साथ बताता है। WHO has done many research
and trials in many countries about the nutritive value and therapeutic effect of spirulina. और इतने सारे इफेक्ट के बाद WHO ने इस स्पिरुलिना को दुनिया का ग्रेटेस्ट फूड कहा गया है और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है. एक दिन का बच्चा भी इसके मुंह में आप डाल सकते हो, एक दिन का बच्चा भी जन्म होते ही उसको दे सकते हैं और 100 साल का बुजुर्ग भी ले सकता है. तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये WHO भी इसको बता रहा है. इतना ही नहीं था हमारे पास, ये बहुत बार हमने फोटो दिखाया था पहली बार, अभी भी आप दिखाना क्योंकि ये दिखाना जरूरी है लोगों को कि पहले जो गुडविल एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, ये 2008 की फोटोग्राफ है. और इमसाम एस्पायर टू मेक स्पिरुलिना विच वॉज डिस्क्राइब बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1974 एज द बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर. सबसे अच्छा भविष्य का सबसे अच्छा खाना ये 1974 की इंटरनेशनल जो वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस होती है जागतिक अन्न परिषद, उसमें 1974 में नहीं 74 के अंदर स्पिरुलिना को बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर का करार दिया था 1974 में. तो सोचिए 1974 में उसको बोला गया था बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर. आज 2020 है तो अभी हम बोलेंगे टूडेज बेस्ट फूड है, अभी फ्यूचर नहीं है. तो गुडविल एम्बेसडर ग्रैंडमा बराक ओबामा मामा सरा ओबामा अभी कौन है? नासा का डिक्लेरेशन आ चुका अवकाश यानी स्पेस का फूड है, अभी कौन है स्पेस फूड के बाद? अभी हम देख रहे हैं स्पिरुलिना का गुडविल एम्बेसडर कौन है, सबको पता है हमारे DXN के. हमें जब प्रिविलेज, हम सबको इसका प्राउड फील करते हैं और हमें इससे गर्व होता है, हमें अभिमान होता है कि हमारे कंपनी के DXN के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सियो जिन अभी गुडविल एम्बेसडर है. 1 ग्राम स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलो स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1000 किलो असर्टेड वेजिटेबल्स. एक स्पिरुलिना के अंदर इतना बड़ा पावर. और कंजम्पशन ऑफ स्पिरुलिना स्टेट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस. जो बच्चों को रात अंधेरेपना होता है, तो डॉक्टर लिम का बहुत अच्छा वीडियो भी आया था, उसने उन्होंने बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रात अंधेरेपना बच्चों को आता है, रात को नहीं देख पाते वो बच्चे, उनका प्रॉब्लम सिर्फ विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं है. विटामिन ए की डिफिशियंसी के साथ साथ कई और फैक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है. और ये नाइट ब्लाइंडनेस के कारण ही ये बच्चा जिंदगी भर अंधा रह सकता है. शुरुआत में नाइट ब्लाइंडनेस आएगा लेकिन अगर तुरंत इलाज या सही समय पर उसका समाधान नहीं मिल जाए तो बच्चा जिंदगी भर के लिए अंधा हो सकता है. तो क्या रास्ता है हमारे पास? स्पिरुलिना है. हम कितने लोगों का मदद कर सकते हैं देखना जरूरत है. नाइट ब्लाइंडनेस, एलर्जीज, LDL कोलेस्ट्रॉल, माल न्यूट्रिशन, ये तो सारा जहाँ खून की कमी है ना, ये खून की कमी के रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ. बट इमसाम पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन ऑफ स्पिरुलिना स्टेट्स पॉजिटिव इफेक्ट. जितने भी खून की बढ़त से फायदे होते हैं वो सारे के सारे फायदे बिकॉज द स्पिरुलिना इज अ मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड हीमोग्लोबिन बूस्टर. तो जहाँ पे भी है हम जगह पे ताली बजाएंगे जोर से. आपके हाथ दिख रहे हैं तो जोड़ दीजिए हाथ अपने डॉक्टर लिम सियो जिन के लिए और नमन करेंगे, सत सत प्रणाम करेंगे ऐसे महान व्यक्ति को जो एक मिशन को लेके चल रहे थे. और शायद उनको भी एक साल पहले पता नहीं था जब उन्होंने वो लाइन बोला था इंसान की बहुत बड़ी परिषद के अंदर कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरे बच्चों को 3 ग्राम स्पिरुलिना दूंगा. अरे सारे लोग वहां पे आश्चर्यचकित हो रहे थे, सब लोग बोलते 1 ग्राम देना चाहिए. डॉक्टर लिम खड़े हो गए, बोल रहे थे, वहां पे चीफ गेस्ट थे तो उन्होंने डायरेक्टली उनका लाइन बोल दिया, मेरे पास इतने प्लांट है, इतना फार्म हाउस है जहां जहां पे मैं स्पिरुलिना प्रोड्यूस कर सकता हूँ और भी कई जगहों पे मेरा ऑलरेडी 1 करोड़ फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर्स का है. तो हम 1 ग्राम क्यों दें, हम 3 ग्राम देने की ताकत रखते हैं. तो शायद उस समय पे उन्होंने वो सेंटेंस बोल दिया लेकिन उनको शायद पता नहीं था उस समय पे कि आने वाले समय में जो गुडविल एम्बेसडर यानी सद्भावना राजदूत का जो पुरस्कार है वो उनके पास आएगा. लेकिन आज वो बात रियल में असल में हो चुकी है और वो हमारे गुडविल एम्बेसडर है. दिस इज अ प्राउड, हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व, सीना को बड़ा करने वाली न्यूज हमें मिल चुकी है. ये हम देख रहे हैं इमसाम के अंदर दातो डॉक्टर लिम सियो जिन का फोटोग्राफ. ये मैराडोना है. मैराडोना कौन है? मैराडोना है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इमसाम, सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है द इमसाम के. तो ये एक्चुअली मैराडोना बहुत सारे लोगों को शायद पता है, एक फुटबॉल प्लेयर हो सबको शायद पता हो गए अफ्रीका के अंदर के. तो उनका ये सगा भाई है तो ये इंसान के अंदर सेक्रेटरी जनरल है. और आज हम देख रहे हैं इनके और डॉक्टर लिम के बीच में ये साइनिंग अथॉरिटी वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था जो कि 19 तारीख को हुआ था 6:30 बजे. हमने इसको लाइव देखा था. अगर आपने नहीं देखा हो तो लाइव नाम से एक वीडियो मैंने बाद में पब्लिश किया, उसके अंदर कोई ट्रबल नहीं है, कोई एरर नहीं है. स्टार्ट टू एंड आप इस वर्चुअल साइनिंग प्रोग्राम को सेशन को देख सकते हैं, वो भी वीडियो आपको अंदर मिल जाएगा. तो थैंक यू डॉक्टर लिम सियो जिन.
डॉक्टर लीम इसके अंदर एक ही है, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब जिम्मेदारी सिर्फ डीएक्सएन की नहीं है, सिर्फ डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं है, अभी अभी जिम्मेदारी आ चुकी है होल्स वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आ चुकी है। तो डॉक्टर लीम चाहते हैं कि मैं 10 लाख बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल दूं। उनके जीवन का कितना बड़ा मकसद वो पूरा करना चाहते हैं, और वो सब लोग, हम सब लोग उसके विटनेस रहेंगे। डीएक्सएन का सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वो पूरा करने के लिए उनकी मदद करेंगे। तो वो उनका सपना, उन्होंने एक लाइन में मुझे बोला, प्रवीण आई वांट टू असिस्ट द 1 मिलियन चाइल्ड टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन। हम 1 मिलियन 10 लाख बच्चों की मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये एक अच्छा कदम और एक अच्छा मिशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और ये मिशन हमारे लिए अभी आ चुका है सामने, और ये न्यूज के साथ हमें इसको आगे लेके जाना है। सो कैन हेल्पिंग अदर्स हैप्पी, मतलब रियली कैन हेल्पिंग अदर्स रियली मेक्स यू हैप्पी। अगर हम सही में लोगों की मदद करते हैं तो आपको ये हैप्पीनेस दे सकता है। सर पैसा आपका शायद बढ़ सकता है, इनकम आपकी शायद बढ़ सकता है, जीवन शैली लाइफस्टाइल, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, वो सेकंड टाइटल है। लेकिन एक रियल हैप्पीनेस जो होता है ना, वो अगर एक अच्छी सेवा दोगे ना, तो आपको एक रियल हैप्पीनेस जो अनुभव होता है ना, उसकी अनुभूति पैसे के अंदर नहीं गिन सकते। बट सोचना जरूरत है कि कितने लोगों की हम मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग टू सक्सेस। तो डॉक्टर लिम भी खुद कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि हम आगे जाके क्या मिलेगा, हमें मैं कितना कमाऊंगा, मुझे कितना पैसा आएगा। उनका एक लाइन बहुत अच्छा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा है, वो गीता को भी मानते हैं, गीता रहस्य को भी मानते हैं। तो उन्होंने वो गीता इतनी पढ़ी है, और उन्होंने ये लाइन को पूरे से बताया हमें सिद्धिपेट में, कि कर्म की चिंता आपको करनी है, आपकी फल की चिंता करने का आपका अधिकार नहीं है, आप अपना कर्म करते जाओ। और यही हमें अभी अभी आने वाले समय में करना है। लाइफ मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, कर्म क्या करना है, कर्म आपको एक ही करना है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स, आप दुनिया के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने यह आपके लिए बताया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर आप दुनिया के लिए कुछ बड़ा काम करोगे, और जितनी बड़ी आप लोगों की मदद करोगे, और जितनी बड़ी समस्या होगी, उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। तो ये मिशन का नाम देखिए यहाँ पे आ चुका है, सेव द चाइल्ड, सेव द चाइल्ड। तो डॉक्टर लीम सियोजिन का मिशन है, मिशन 2020 यानी अभी साल में शुरू हो चुका है, 2020 टू लेके 2030 तक ये डॉक्टर लीम के पास मिशन है। और हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम ये मिशन को डॉक्टर लीम के पूरा करके दें, और डीएक्सएन का नाम दुनिया के अंदर रोशन करके दें, और डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा नाम डीएक्सएन का लिया जाए जिंदगी में, लाइफ टाइम में, कि एक डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक अलग नजरिए से देखें। ये सब लोग, हम सबका जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना चाहिए आप लोगों को। और ये दिखाया जा रहा है मिशन है, 10 लाख कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन 3 ग्राम स्पिरुलिना 90 दिन तक देकर कुपोषण से बाहर निकालना। ये इन्होंने अभी ऐलान कर दिया है, वो भी इंसाम के अंदर जाकर, और वो उनको एक ही मकसद, और इनका इतना बड़ा विश्वास डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर है कि 1 करोड़ फैमिली अभी इनके पास है। तो क्या है इनका एक आह्वान हमारे लिए, ये वीडियो के अंदर मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ डॉक्टर लीम का। दातो डॉक्टर लीम ने हमें आह्वान किया है कि आपका $1 फॉर 1 चाइल्ड $1 यानी 75 रुपीज, आपका 75 रुपया एक बच्चे का जीवन बचा सकता है, आपका 75 रुपया एक बच्चे का जीवन बचा सकता है। तो आपका $1 कुपोषण निधि एक बच्चे का जीवन बचा सकता है। तो आपका $10 मदद निधि आप 10 बच्चे का जीवन बचा सकते हैं। सोच आपकी है, आप एक बच्चे को असिस्ट करना चाहते हैं, 2 बच्चों को असिस्ट करना चाहते हैं, 10 बच्चों को असिस्ट करना चाहते हैं, सोच आपकी है। और इसी को लेकर मार्केट भी खड़ा कर दीजिए। अब आपके पास क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग करने का और एक और अच्छा आइडिया मिल जाता है, मार्केटिंग करने की एक और एक तरीका मिल जाता है, मार्केट को न्यू इन्वेंशन के अंदर लाने का और एक अच्छा एक मकसद मिल जाता है, एक बड़ा पर्पस बन जाता है आपके जीवन का। तो आप गांव-गांव में जो बड़ा किसी गांव का एक मुखिया होगा, कोई गांव का सरपंच हो सकता है, कोई आंगनवाड़ी की बड़ी टीचर हो सकती है, या फिर कोई तालुका में कोई अध्यक्ष प्रमुख हो सकते हैं जो बच्चों को लेकर कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनको जाकर यह जरूर बताना कि अभी हम फ्री में देना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें वो डेटा दे दीजिए, या फिर हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। कितना अच्छा है ना। तो अभी आपको करना है कि गांव-गांव में जहां जहां पे आपके चौक है, चौराहे हैं, बड़े बड़े गांव में अगर हम देखा जाए, कोई नगर होते, कोई सोसाइटी है, कई कॉलोनियां होती है, तो वहां वहां पे चौक के अंदर आपको बड़े बड़े बैनर लगाना शुरू कर दीजिए, और उसको कुपोषण भारत छोड़ो लिखिए, और उसके ऊपर डॉक्टर लीम का फोटो, बड़े से बड़े ये फोटो डाल दीजिए इसके अंदर, गुडविल एम्बेसडर का, जो अच्छा लगे वो फोटो डाल दीजिए। कितने अच्छे दिखते हैं डॉक्टर लीम, देखिए यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर, और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखेंगे आप कुपोषण भारत छोड़ो। और इंसान का एक लोगो होता है, वो भी दिखा देता हूं आपको, इंसान का लोगो इधर दिखेगा आपको,
ये इंसान का लोगो है, ये इंसान का लोगो दिखाते हैं, ये देखिए इंसान का लोगो, IIMSAM, ये लोगो जरूर गूगल में मिल जाएगा, इस लोगो को उठाइए, एक साइड में बराक ओबामा का फोटो लीजिए, भूतपूर्व लिखना वहां पे, ममा सारा ओबामा भूतपूर्व एम्बेसडर, और प्रेजेंट यानी अभी के एम्बेसडर दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, नीचे DXN का लोगो एक साइड में डाल दीजिए, तो एक ब्रांडिंग हो जाएगा। और जो लोगों को थोड़ा सा भी इसके बारे में थोड़ा सा भी फीलिंग है, इमोशन है, तो वो जग सकते हैं और आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपको एक ही है, एक अभी इतना रास्ता मिल चुका है, तो इस न्यूज को पूरी आग फायर और पूरी ब्रांड की तरह आप आंख लगी लेके चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत बार हम बताया जा चुके हैं कि स्पिरुला क्यों सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या होता है, या अच्छा बेस्ट फूड है, या कंफर्म टू USFDA यूरोपियन और जापानीज हेल्थ स्टैंडर्ड से आता है, DXN ही क्यों अच्छा है, क्योंकि DXN खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी का खुद का होता है, किसी और से परचेस कर नहीं लिया जाता, ताकि वो जैसे देगा वैसे हमें बेचना नहीं है, कंपनी खुद का देता है। इसके अंदर प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, विटामिन, मिनरल, सारे न्यूट्रिशंस है। एक चीज जरूर बताऊंगा, इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिशंस भी है और माइक्रो न्यूट्रिशंस भी है। फाइटो न्यूट्रिशंस यानी फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन यानी ब्लू, ब्लू यानी वो पानी से, पानी के अंदर फाइकोसाइनिन होता है, पानी में जो हर्ब बनते हैं उसके अंदर फाइकोसाइनिन होता है, तो पानी के अंदर जो ऊर्जा बनाने के लिए जो एक मेन कंटेंट आता है वो फाइकोसाइनिन, तो पानी से भी ऊर्जा बनती है वो स्पाइरुले के अंदर है, और जमीन में जितने भी हर्ब होते हैं, वनस्पति होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो ग्रीन होता है। तो हमारा स्पिरुला को क्या बोलते हैं, ब्लू और ग्रीन एल्गी, तो ब्लू भी एक एनर्जी का सोर्स है और ग्रीन भी एक एनर्जी का सोर्स है, दोनों को मिलाकर एक साथ आ जाता है तो दुनिया का बेहतरीन फूड बन जाता है आपके लिए, जो कि इतना पावरफुल बन जाता है कि आपको जो शरीर को चाहिए वो सारा देगा, नेचुरल लेवल पे, वेजिटेरियन लेवल पे, कोलेस्ट्रॉल फ्री होगा, अल्कलाइन फूड होगा, जो मर्जी चाहिए वो खाइए, लेकिन अभी बैलेंसिंग करने का काम हमें करना है। नॉनवेज खाने की इच्छा रखते हो, मैं नहीं कहूंगा कि नॉनवेज खाने की आदत ही बंद कर दो, मैं भी खाता हूं, लेकिन जैसे आप खाते हो आपको लगता है कि पेट में थोड़ा सा गर्म हो रहा है, आप तुरंत 10 स्पिरुला खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 खाइए, 2 खाइए, 4 खाइए, जितना मर्जी आप खा लीजिए, ज्यादा भी खा सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, अल्कलाइन कर रहे हैं, कोई अल्कोहलिक लेता है, ड्रिंक लेता है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो लेता है उसकी आदत है, बट जैसे ही लेता है उसको दूसरे दिन पूरा पेट गर्म गर्म हो जाता है, उसको 10 स्पिरुला खाना चाहिए, तो क्या होता है वो अल्कलाइन कर रहा है अपने बॉडी को, ताकि आने वाले समय में फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस या लीवर की फेल्यूर की जैसी समस्या नहीं होगी उसको। तो ये बैलेंस फूड भी है, हमारी खान पान की जो अभी आदत है उसको आप बरकरार रखते हुए, वड़ा पाव खाना चाहते हो, मिसल पाव खाना चाहते हो, समोसा खाना चाहते हो, पिज्जा बर्गर या कुछ खाना चाहते हो, मैं बोलूंगा एक्चुअली नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभी ये जीभ होती ना, वो कभी कभी लोग बोलते यार उधर से जा रहा था, स्मेल आया और मैं रह नहीं पाया और वड़ा पाव खाकर आया, बट खाने के बाद दिक्कत लगती है आपको, वड़ा पाव या मिसल पाव खाया आपने या कोई समोसा कचोरी खा लिया, तो खाने की इच्छा तो नहीं रोक सकते, लेकिन अभी बैलेंस डाइट जरूर करिए, उसको संतुलित करने की आदत बना लीजिए, घर में आकर स्पिरुला जरूर खाइए। दूसरा एक मेन चीज है, आप जो भी खाना खाओ हमारा प्लेट देखिए, और प्लेट में जब भी देखेंगे चपाती को तो ये सोचना कि इसमें कितना मिलीग्राम विटामिन आ रहा है, जब भी आप राइस को देखेंगे तो सोचना कितना मिलीग्राम जा रहा है, और फिर देखना ये सारी एक पूरे प्लेट की ताकत मेरे 3 या 4 स्पिरुला के अंदर भी है, 3 कैप्सूल भी मिनिमम खाएंगे एक प्लेट का हिसाब से काफी है सर, क्योंकि जो प्लेट के अंदर नहीं था वो सिर्फ आपके एक ग्राम स्पिरुला के अंदर भी आता है, 1 ग्राम स्पिरुला बता रहा हूं, ये पूरे प्लेट के अंदर जो नहीं था वो सिर्फ 1 ग्राम के अंदर आता है। तो प्लेट टू सेल थेरेपी भी बताया जा चुका है, वो भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, 110 किलो कौन खाएगा एप्पल, पता ही नहीं कब खाएंगे हम इतने, लेकिन सिर्फ 20 कैप्सूल में इतना पावर है, तो 3 कैप्सूल सफिशियंट हो जाता है आपके लिए, कम से कम 1 ग्राम का आदत बना लीजिए, क्योंकि मैं 17 या 5.5 किलो अकेला चिकन नहीं खा पाऊंगा, लेकिन उसकी तुलना अगर मैं स्पिरुला के साथ जोड़ दूं तो उसमें जो विटामिन है विटामिन ए 12 मिलीग्राम, तो मुझे सिर्फ 3 ग्राम 1 ग्राम भी खाएंगे तो भी चलेगा। तो मैं एक आदत बनाना चाहता हूं आप सबकी, 10 रुपए पर डे सबको एक बना लीजिए, और एक ही प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते तो भी कर दीजिए, सिर्फ स्पिरुला से भी बहुत बड़ा मार्केट खोल सकते हैं, आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन सीखना है और स्पिरुला को हाईलाइट कर देना है। एक सिंगल प्रोडक्ट पे बात करना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छी टीम भी खड़ी कर सकते हैं, अभी तो मिशन भी है कुपोषण हटाओ, राइट, इतना बड़ा लोग, इतना बड़ा पूरा ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका जैसी और यूनाइटेड नेशन हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो बहुत बड़ी दुनिया हमारे साथ कनेक्ट है, अभी हमें रोकने का कोई किसी के पास अधिकार नहीं है, कोई हक ही नहीं है। तो DXN स्पिरुला दुनिया का बेहतरीन है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए ग्रोथ में मदद करेगा, डेवलपमेंट में मदद करेगा, बिकॉज इट्स रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन भी वो डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं वो जो नॉनवेज से प्रोटीन आएगा, जो दवाई या कैप्सूल से प्रोटीन आता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो बीमारी को पैदा करता है। यस, ये यूरिक एसिड फॉर्मेट करेगा,
लेकिन यहाँ से जो प्रोटीन आपको मिलता है स्पिरुला से, वो 95% डाइजेस्टिव प्रोटीन मिलता है, तो इसको ग्रोथ मिलेगा अच्छा। ये आपकी स्पोर्ट एनर्जी को और इंड्योरेंस को बढ़ाता है। स्पिरुला प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, आपकी एनर्जी, वाइटलिटी, इंड्योरेंस, आपका अंदर का स्टैमिना बढ़कर लाएगा, बिकॉज इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो एक स्पोर्ट्स के अंदर लोगों को चाहिए होते हैं। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन उसको फिर से रिफिल करने के लिए नेचुरल सोर्सेस स्पाइरुलिना। एंटी एजिंग, जल्दी बूढ़ा कौन होना चाहता है, तो बताइए लोगों को जो रिंकल्स आते हैं तो बुढ़ापे का निशानी है, राइट? तो ये बूढ़ा होने का एक कारण होता है आपका डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशंस। सही खाना अगर पेशियों को नहीं मिलेगा तो पेशी अपने आप कमजोर होती चली जाएगी और जल्दी डेड हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो स्पिरुलिना एज एंटीऑक्सीडेंट एक्शन रिटायर्ड एजिंग प्रोसेस, आपकी एजिंग प्रोसेस को रोकता है, आपको जल्दी बूढ़ा होने से रोकेगा और आपको लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा जवान रखने में मदद करेगा। पूछिए लोगों को, सर आप जवान दिखना चाहते हो तो मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी बूस्टर, अभी तो सभी दुनिया बता रही है, अभी तो हम ये तो हमारे लिए पहले से स्लाइड था, मतलब स्पिरुला के अंदर ऐसी चीजें है जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, बीटा कैरोटीन एक कंटेंट है, और साथ ही साथ हमारे लिए एक मेन चीज आती है और वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने के कारण वो वायरस को अटैक कर सकता है या फिर वायरस को शरीर के अंदर नुकसान होने से रोक सकता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है बिकॉज ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, स्पिरुलिना है। ये एक पेशीय नीले हिरवेशे वाला बोला जाता है, एक सिंगल सेल है तो डिफेंस मैकेनिज्म और आवर बॉडी को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनेगा और कई वायरस आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लीजिए। वैक्सीनेशन इसका कोई जवाब नहीं है सर। वैक्सीन करते मतलब क्या करते आप लोग? एक वायरस के लिए वैक्सीन अलग है, दूसरे वायरस के लिए अलग वैक्सीन आएगा। आपका डेंगू का वैक्सीन अभी कोरोना के लिए नहीं चलेगा। अब कोरोना का वैक्सीन कर दो, कल जाके कोई और एक फ्लू आ जाएगा, जैसे कुछ टोमेटो फ्लू बीच में सुना था, टमाटर वाला फ्लू, रेड फ्लू आ रहा है, सुन रहे हैं, न्यूज आ रहा है, तो वो वायरस आने के बाद उसका वैक्सीन करेंगे क्या? तो शरीर को अंदर कितना वैक्सीन करते रहेंगे, लेकिन एक ही जिम्मेदारी है, हजार वायरस के लिए हजार वैक्सीन करने से अच्छा है कि अपने स्ट्रांग इम्यूनिटी को, शील्ड को ही मजबूत करो, अपनी प्रोटेक्शन पावर को इतना मजबूत करो कि वो आपके नुकसान ही ना कर पाए, क्योंकि सारे लोगों को अटैक कर रहा है। ये एक लाइन आपको बोल रहा था कि अटैक तो सभी लोगों पे हो रहा है, कोरोना का अटैक क्या एक दो लोगों पे नहीं हो रहा है, सभी लोगों पे हो रहा है, लेकिन किसको है संक्रमण का उसका प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है उसी को सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपना स्टैमिना बढ़ाइए, अपनी स्पोर्ट पावर बढ़ाइए, इंड्योरेंस को बढ़ा दीजिए, वाइटलिटी को बढ़ा दीजिए, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी सभी समस्याओं से दूर रहिए। अभी कितने सारे लोग आते हैं सर, क्लॉटिंग हो गया, प्रेस्ट्रिक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, या फिर ब्लड हार्ट अटैक आ गया, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ब्लड का स्ट्रीम अच्छा नहीं रहता है और हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं रहा तो कई बीमारियों को दावत है। तो यही प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेके हीमोग्लोबिन लेवल को भी इंक्रीज करेगा। जीरो कोलेस्ट्रॉल, यानी इसका कोई भी आपके लिए हार्म इफेक्ट नहीं है, कितना भी खाओ, ज्यादा भी खाओ, जितना शरीर इस्तेमाल करेगा कर लेगा, बाकी सारा निकाल देगा। स्पिरुलिना इज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड द कोलेस्ट्रॉल फ्री, बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन भी है और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। ये बताइए लोगों को, कितना भी खाओ कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट विद ऑल एसेंशियल फूड्स। तो एक ही चीज है, अब इसको हमें कम से कम 1 ग्राम तो खाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 1 ग्राम, आपकी मर्जी है, आप 2 ग्राम खाओ, 10 ग्राम खाओ, 20 ग्राम खाओ, नो नुकसान, आपकी मर्जी है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप जितना मर्जी खाओ, कम से कम 1 ग्राम जरूर खाओ, 3 कैप्सूल पर डे, और ये मार्केट क्रिएट करो। 10 रुपया किसके पास नहीं है आज? एक बच्चे को अगर हम चॉकलेट या कोई कैडबरी या हम कुछ कैडबरी का लेकर पैकेट मिलता है या फिर हम कोई बिस्किट का पुड़ा भी लेकर आते हैं तो भी 10 रुपये चला जाता है, मैगी नूडल्स कुरकुरे कुरकुरे भी 10 रुपये में आ जाते हैं। तो एक आपको एक आदत ही बना लीजिए कि हमारे लिए 10 रुपया ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो बताइए लोगों को कि हेल्थ का हमारा जो एक मिशन है, इसके अंदर आपको बीमारी से भी रोकने का बहुत बड़ा प्रावधान है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को चेंज कर लीजिए सर, और सिर्फ मुझे 90 डेज के बाद आपका रिजल्ट बताइए, अभी का बताइए, 90 डेज के बाद एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, तो स्पिरुलिना को लेकर बहुत बड़ा से बड़ा मार्केट किया जा सकता है। तो इस मिशन को बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप $1 देंगे एक बच्चे की मदद करेंगे, $10 देंगे 10 बच्चे की मदद करेंगे, और ये शायद अभी ऑफिशियल भी आ सकता है, पता नहीं है, बट मुझे ये न्यूज मिला है कि जितना डॉलर आप कुपोषण के अंदर निधि के दौरान आप दे देंगे उतना आपको रिडिम्शन मिलेगा। डॉक्टर लीम का सपना कितना बड़ा है, देखो कितना सोच अच्छा है कि आप अगर बच्चे के लिए कुपोषण के लिए कुछ डोनेशन दे भी दोगे, कुछ डॉलर्स दे दोगे, आपने $10 दिया, मैंने मान लो 750 रुपये डोज दिया, तो कंपनी सोच रहा है इसके ऊपर, ऑफिशियल न्यूज आएगा तो आप इसको फायर कर दीजिए पूरा, बट सोच रहा है कंपनी कि वो भी आपको रिडिम्शन के दौर पे हम वापस लाने में मदद कर देंगे।
मैं तो बोलता हूँ ये 750 रुपए से अगर मैं बोलता हूँ 10 बच्चे का जीवन बचा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा रिडिम्शन है, बहुत बड़ा रिडिम्शन है। ये कंपनी का रिडिम्शन का क्या मिलेगा? तो फायदा ही है, नहीं मिलेगा तो भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपका। लेकिन आप लोगों को एक बता सकते हैं, सीना तान के बता सकते हैं कि मैंने 10 बच्चों को असिस्ट किया है, मैंने 2 बच्चों को असिस्ट किया है। असिस्ट करना है, लाखों रुपए नहीं डालना है आपको, सिर्फ $1 एक बच्चे के लिए। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इज अ सुपर फूड ऑन अर्थ, और इसको इतना आप आग की तरह लेकर जा सकते हैं। क्योंकि लेट फूड बी द मेडिसिन, लेट द मेडिसिन बाय द फूड। हिपोक्रेटिस, जिसने मेडिसिन का, जिसने दवाई का शोध लगाया था, पेनिसिलिन का आई थिंक शोध लगाया था, पहला दवा, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, वो बनाया था हिपोक्रेटिस ने। यानी मेडिसिन एलोपैथी का ये जनक है, ये पप्पा है सबका। तो वो उन्होंने जब ये मेडिसिन बनाया था, तो उस समय पे उन्होंने एक लाइन भी सबके लिए छोड़ के रखा था, लेट फूड बी द मेडिसिन एट लेट द मेडिसिन बी द फूड। आपका दवा ही आपका खाना होना चाहिए और आपका खाना ही आपका दवा होना चाहिए। तो ये भी हम डिक्लेयर करके, इंसान ने भी इसको वर्ल्ड बेस्ट फूड फ्यूचर अवार्ड करके दे दिया। ये डॉक्टर सवेरा का प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया था, फ्लेमिंगो जो होते हैं ना, फ्लेमिंगो पंछी होते हैं, इनसे साउथ अफ्रीका के लोगों को अट्रैक्ट किया स्पिरुला को देखने के लिए। ये इसका एक मेन जनक है, जहां से स्पिरुला ज्यादा एक्सपोज हो गया, मार्केट में आ चुका है, या फिर लोगों का ध्यान इसकी तरफ आ गया कि जो पंछी होते हैं फ्लेमिंगो, वो एक सीजन में पूरे व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट सफेद, और वो क्या करते हैं, वो सारे अपना झुंड के साथ आते हैं और फिर वो तालाब में से इस तरह से, इनका चोच देखिए ऐसा है, तो तालाब में ऐसा स्पिरुला को ऐसा छान कर ऐसा खाते हैं। ये मच्छी नहीं खा रहा है, ये स्पिरुला खा रहा है, ये लोग भी देख रहे हैं। और क्या होता है, जैसे वो कंटिन्यू खाते हैं, वो सजन में खाका खाकर उनका जो पूरा गर्दन है वो रेड हो जाता है, और जैसे वो हवा में उड़ते हैं तो हवा में फ्लेमिंगो ने आग जैसा दिखता है, जैसे फायर जैसा दिखता है। तो इस पंछी का नाम भी फ्लेमिंगो है। तो ये क्या खा रहा है, ये क्यों स्पिरुला खा रहा है, और ये इसका ये लाल कैसे हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च साइंटिस्ट करने लगे और पता चला, ये देख रहे इस तरह से छान कर लेता था स्पिरुलिना, भगवान ने इसको ऐसे ही बना दिया। और यहां से आविष्कार बाहर आया कि ये मच्छी नहीं खा रहा है और ये ऊपर का काई खा रहा है, क्या है इसके अंदर। और फिर कुछ लोगों ने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसका फिर से बाहर निकाल कर इसको सुखाना शुरू कर दिया, और सुखाने के बाद इसके मसाले के अंदर लाना, तो इसके लिए थोड़ा नमक मिट्टी डालकर इसको मसाले में डालकर इसको आपके लिए खाने के अंदर लेकर आए, ये स्पिरुला आप लोगों के लिए वहां से निकल के आया। द फर्स्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक, धीरे धीरे इसको टेक्निक के अंदर लाया, फिर टेक्नोलॉजिकली इसको प्रूवन करते गए। देखो इतना तरीके से ये स्पिरुला आगे बढ़ते आया है, इतना सफर, 350 करोड़ साल पुराना ये स्पिरुला आपके सामने आ चुका है। ये स्पिरुला का प्लांट अभी तो डॉक्टर लीम सियोजिन पीछे दिख रहा है आपको, डॉक्टर राजेश सवेरा सर के पीछे है, ये स्पिरुला का प्लांट है, जहाँ पे मलेशिया का ये फोटोग्राफ है, द स्पिरुलिना कल्टिवेशन प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के अंदर भी है, पांडिचेरी में भी है, आपको जाना है, आप खुद जाकर देखकर भी आ सकते हैं। और कंपनी ने ये विजिट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और विजिट टू ऑल रख दिया है, कोई कंपनी शायद विजिट नहीं करवाती, लेकिन डीएक्सएन बताती है आप खुद आकर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारा प्लांट, हमारा प्रोसेसिंग सब कुछ देख लीजिए, कितना प्रूवन सिस्टम है, कितना मतलब ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपाई बात नहीं है आपके लिए, जो भी हम बेचते वो हम दिखाते भी है। कोई आज तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस तरह का न्योता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, आ जाओ हमारा फैक्ट्री देखने के लिए, आ जाओ गैनोडर्मा फार्म देखने के लिए, और दुनिया का बेहतरीन खाना आज हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों इतना अच्छा आपके लिए आज, इतना पर्याप्त है आई थिंक आज के प्रेजेंटेशन में, सभी लोगों को शायद ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। शुरुआत करना है, जैसे ही मैसेज आ जाएगा $1 for 1 child मैसेज के साथ आगे बढ़िए। एक लाइन मैंने आपको बताया, विजिटिंग कार्ड बनाओ या आपके पैम्पलेट बनाओ, ब्रोशर बनाओ, लेकिन अभी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इसके ऊपर भी आप हाईलाइट करके आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने शुरुआत में बताया था, लॉकडाउन के अंदर आपको बिजनेस करना सीखना ही है। तो अभी जितने भी आपके टीम लीडर्स है, टीम मेंबर्स है, आपके डाउनलाइन है, उनको तरीके से आप, जैसे मैंने एक सर्कल का बताया था फोटोग्राफ आपको, और सही में जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करिए और उनको एक सिस्टम के अंदर लेकर आइए। एक तो ऑलरेडी हमने ऐलान कर दिया, इस महीने में एडिशनल 3000 पीवी करने वाले लोगों को हम एक सीरियस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस ट्रेनिंग जो कि फास्टेस्ट 10,000 इनकम प्लान के अंदर आ जाएगा। अभी जो रूबीज बनने गए, वो रूबी अगर 15,000 इनकम के ऊपर चले जाएंगे उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और जो डायमंड बनेंगे, फास्टेस्ट डायमंड बात किया जा रहा है,
इनका ज्वाइनिंग डेट के साथ शायद कनेक्ट हो पाएगा। तो अगर आप अभी नया लोगों को भी कनेक्ट करते हो तो उनको 3 महीने का टारगेट के अंदर एक सिस्टम के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज जैसे आ जाएगी इसके प्रेजेंटेशन बनाकर आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल जो हमारा एक्शन प्लान है जो भी अभी चल रहा है इस महीने के अंदर वो है 3000 एडिशनल ग्रुप पीवी वॉल्यूम। जितना पिछले महीने में किया था अगर 10,000 किया था तो 13,000 करना है, 5,000 किया था तो 8,000 ही करना है। तो कम से कम 3,000 करो, मैक्सिमम आपकी मर्जी से कर सकते हैं। आप ये 3,000 पर्सनल भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, डाउनलाइन से भी कर सकते हैं, नया ज्वाइनिंग से भी कर सकते हैं, ओल्ड मेंबर से भी कर सकते हैं। बट एडिशनल 3,000 पीवी एक आपका इनकम टेस्ट है, सही में आप सीरियस है और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ग्रुप में काम कर भी 3,000 पीवी ला सकते हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी इस महीने के एंड तक का है। जितना पीवी वैल्यू आपका मई महीने का था आप उसके साथ सिर्फ 3,000 पीवी की बढ़त लाना है। उनका लिस्टिंग होगा, सभी डायमंड से कनेक्ट हो चुका है आरबीसी सिस्टम, उनका प्रॉपर लिस्टिंग होगा और वो लिस्ट में से उनको छान कर अगर एक डायमंड के पास सिर्फ 6 लोग भी होंगे तो 6 ही लोगों को सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। एक डायमंड के पास अगर 10 लोग निकलेंगे तो 10 ही लोगों को हम लेकर आएंगे। डीजीपीवी में से बता रहा हूँ, एक डायमंड का डायमंड ग्रुप पीवी उसका टारगेट दिया जा रहा है। तो एक डायमंड ग्रुप पीवी में 6 लोग भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे तो 3 ही लोगों को लेकर आएंगे। तो ये करना अनिवार्य है, इसी महीने के एंड तक पूरा कर देना है। और जो ये पूरा करेंगे उनके लिए फास्टेस्ट 10,000 का प्रावधान आरबीसी सिस्टम से आ चुका है। जो 10,000 कम से कम फास्ट चला जाए और जो 10,000 कमाएंगे वही जाके आगे के मिलियनियर बन जाएंगे। क्योंकि एक बार 10,000 आने लगे तो कौन छोड़ेगा डीएक्सएन, या डीएक्सएन को कौन बोलेगा अरे यार मेरे को 10,000 आ रहा है, तो छोड़ने की इच्छा भी नहीं किसी की होगी। क्योंकि 10,000 से 20, 20 से 25, 50, 1,00,000 भी कर सकते हैं। तो अभी इनकम की सोच को लेकर आना है और इनकम बढ़ाने के लिए आपके टीम के अंदर भी इनकम कमाना इच्छा रखने वाले लोगों के साथ ही काम करना अभी आपको शुरू करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरा आपका म्यूट खोल सकता हूँ, तो जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। यहाँ पे कल्पना मैडम ने हैंड राइज किया है, हम कल्पना मैडम को म्यूट को ओपन करते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैडम ने आपने दिया था एनडीटी के अंदर, जिस लोगों ने किसने नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिए कल्पना मैडम का न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग जो कि मराठी स्लाइड में हुआ था। अच्छा, क्योंकि वो मराठी में अच्छा बात करते तो उनका प्रेजेंटेशन हमने मराठी स्लाइड में देखा था। तो उन्होंने पीपीटी भी बनवाया था और उनके बेटे ने उनकी काफी मदद करी थी वो प्रेजेंटेशन बनाने के। तो जरूर उस एनडीटी प्रेजेंटेशन को मराठी के जो लोग देख रहे हैं तो आप जरूर जाकर वो यूट्यूब चैनल के अंदर हमारे मिल जाएगा कल्पना मैडम का एनडीटी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। हाँ कल्पना मैडम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बोलिए हाँ सर, मला सांगा हे तुम्ही जे बोलला ना की आपण गावागावात जाऊन असं जे कुपोषित मुलं आहेत ते आपण बोर्ड वगैरे लावू शकतो। हा तर ह्याच्यावर कसं काम करायचं म्हणजे ते? तर याच्यासाठी ऍक्शन प्लान असा घ्या की पहिलं तुम्हाला अंगणवाडी ज्या आता मी सातारा जिल्ह्यात आहे, साताऱ्यामध्ये सध्या आहे, तर आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये 2,000 अंगणवाडी आहेत। तसं प्रत्येक तालुकामध्ये किंवा तुम्ही आता जिथं पुण्यामध्ये आहात, तुम्ही जिथं विश्रांतवाडीमध्ये आहात, तर तिथल्या अंगणवाडी टीचरचा जाऊन भेटा। ठीक आहे, हा त्यांच्याबरोबर आपण जाताना आपलं स्पिरणाचे लिफलेट घेऊन जा, स्पिरणाचं ब्रोशर घेऊन जावा। ठीक आहे, मोबाईल मध्ये तुम्हाला पाहिजे तर आम्ही शेअर करू, मोबाईलमध्ये पीपीटी त्यांना घेऊन जावा आणि त्यांना सांगा की हे प्रोजेक्ट आहे, तुम्हाला आता खर्च नाही करायचा। पहिलं मी भेटत होतो लोकांना, मी काय म्हणायचो गव्हर्नमेंट कडून अनुदान येईल, पण गव्हर्नमेंट कधी देणार पैसे, त्यांचे किती मोठे अथॉरिटीज होतात वरून पर्यंत, हा म्हणतो ह्याला विचारतो, म्हणतो त्याला विचारतो, म्हणतो त्याला विचार, आणि मग वरती पर्यंत स्टेट गव्हर्नमेंट पासून सेंट्रल गव्हर्नमेंट पर्यंत कोण जाणार भेटायला, राईट ना? ते सँक्शन होणार, पण आता डॉक्टर लिमनी जे ऐलान केलं याचा फायदा उठवून घ्या, जेणेकरून ज्या ज्या एरियामध्ये मुलं आहेत कुपोषित त्यांची लिस्ट काढा आणि या मुलांची आपल्याला मदत करायची अशा पद्धतीने आपण कुपोषित मुलांना आपण 100% त्यांचं। आणि हे आहे अंगणवाडीच्या टीचरकडे, जो अंगणवाडी की जो टीचर होती है उनके पास इसका लिस्ट होता ही है, उनको पता होता है कि जो कुपोषित बच्चे कौन है, अति कुपोषित कौन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन किसके अंदर है। तो उन बच्चों को हमें एक ट्रू आइकॉन बनाना है, उनको हमारे लिए एक बोलते ना कि एक इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट कर देना है उनका कि ये मेरा ये बच्चा था और ये 90 दिन का पहले बच्चा है, अब ये 90 दिन का बाद बच्चा है, 3 महीने के अंदर इसका इतना बदलाव है, ये रिजल्ट हमें शो करना है। और इसके लिए डॉक्टर लीम मदद करने के लिए तैयार है, बट अभी मेन प्राथमिक जो काम करना है, प्राइमरी लेवल पे जो काम करना है वो हम लोगों को शुरुआत कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से शुरू कर दीजिए। अंगनवाड़ी को टीचर को जाके मिलना है, उनको बोलना हम उनके पालक या पेरेंट्स को भी मिलेंगे और हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, सच्चे मन से करना चाहते हैं। जो भी बताएंगे वो खाकर बताओ, पहले खाओ, खुद खाओ।
ठीक है ना? ओके ओके सर, चलेगा अभी। और खुशी पारक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट खोल दीजिए और वहां से बात कर सकते हैं। आपका हैंड रेज यहाँ पे आया, अगर कोई बात करना चाहता है अपना हैंड रेज कर दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है और पूछ रहे लोग कहाँ पे है पूना वाले लोग। अनम्यूट पारक मैडम है क्या? खुशी पारक, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए गुड मॉर्निंग मैडम। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छा लगा, आप जूम सर मुझे मीटिंग ये पे आ पूछना गए था आखिरी। सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, अपना जो स्पिरुलिना है ना, वो हाँ। D3 की इफिशियंसी के ऊपर कितना इफेक्टिवली काम करता है? यस है, इसका अंदर अभी देखा जाए ना तो स्पिरुला के अंदर विटामिन के अंदर बात किया तो 100 टाइप्स ऑफ विटामिन इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और 100 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स भी है, 100 टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के विटामिन भी है। तो लोगों को ये आप बोलना है कि जो भी डिफिशियंसी है आप स्पिरुला को ज्यादा मात्रा में लेके जाइए, 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक तो मिनिमम जाइए। 5 ग्राम यानी कितना होता है, 15 कैप्सूल पर्याप्त है। दिन का 20 कैप्सूल कोई खाता है ना, 20 कैप्सूल अगर पर डे कोई खाता है तो इस मोर देन इफिशियंट है, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने 60 खाया था, मेरा जब ऑपरेशन के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, प्रॉब्लम बहुत बड़ा हुआ था, तो मैंने 60 भी खाया था। ये मेरा सेफ्टी के लिए मैंने भी खाया था और मैं भी बताना चाहता था कि 60 भी खा सकते हैं, बट कम से कम 20 कैप्सूल अगर कोई पर डे खाता है तो मुझे नहीं लगता कि 20 से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई कोई डिफिशियंसी के अंदर है तो उसको वो डोज के अंदर लेकर जाइए, ठीक है। मिलके चले।